वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हम कुछ व्यूअर्स को इस वीडियो में नेक बैंड्स, ब्लूटूथ नेक बैंड्स जो है वो गिफ्ट करने वाले हैं, तो जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं जावा बोबर के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। मैं आप सबको इस गाड़ी के ओनर से मिलवाने वाला हूं, जो कि एक्चुअल अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, क्या है इस गाड़ी के पॉजिटिव नेगेटिव और क्या वो सच में इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हैं, डीलर से सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं, और कैसी लगी उनको ये बाइक चलाने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करते हैं वीरेंद्र जी का, जो इस गाड़ी के ओनर है। सर वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि ये आपको कितने की ऑन रोड पड़ी बाइक? ये मुझे पड़ी 265 की ऑन रोड। 265 की? 265,000। ओके, मैं बता दूं कि प्राइस है वो सिरसा हरियाणा का है, तो टैक्सीज के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज प्राइस जो है वो वैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर पूछते हैं कि आपने ये जावा बोबर का ये कलर लिया जो कि व्हाइट एंड रेड का कम्बिनेशन है, तो आपने यही कलर क्यों चूज़ किया? क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो कलर को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो क्या रीज़न था यही कलर लेने का? एक्चुअली जब मैं इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए गया शोरूम में, तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था एक। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा फ्रेंड था जो, तो उसने मुझे बताया कि ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था दूसरों के कंपैरिजन में। इसमें कॉपर कलर था। ओके। तो कॉपर कलर था और एक ब्लू कलर था, तो इसकी लुक दूसरों से थोड़ा अलग आ रही थी शोरूम में जब मैंने देखा। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कौन सा पसंद आता है, किसी को कौन सा। हाँ, कलर तो मतलब सबकी पर्सनल चॉइस है, बाकी थोड़ी हेल्प मिलती है कि ज़्यादातर लोगों की जो पसंद होती है एक्चुअल में वो चीज़ अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा मैं पूछूँ कि जैसे जब भी आप बाइक देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो आपने और भी काफ़ी सारी बाइक्स देखी होंगी, तो किस किस बाइक के साथ आपने कंपैरिजन किया था और फिर बोबर का ही प्लान क्यों बना? मेनली ऐसे था, मेरा इससे पहले मेरे ब्रदर के पास पैराग था। ओके। तो वो मैं चलाता था, तो मुझे थोड़ा बढ़िया लगा वो चलाने में। ओके ओके। तो और बाकी इस रेंज में बाइक्स जो भी थे उनके कंपैरिजन में लुक वाइज और सब कुछ इसको इस प्राइस रेंज में मुझे इसका बेटर लगा। ओके ओके। इसलिए मैं इसके साथ गया। और कंपैरिजन की बात करें, जैसे कि इस बाइक रेंज में अगर हम बात करें, रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी अपना पैर जमाया हुआ है, तो क्या आपने कोई रॉयल एनफील्ड की बाइक भी देखी थी? हाँ, रॉयल एनफील्ड की इस प्राइस रेंज में मैंने क्लासिक देखी थी। हाँ जी। तो उसका जो कलर वेरिएंट मुझे पसंद आया था वो भी 265 का ही बनता था। ओके ओके। तो मेन रीज़न ये था, अभी वो कॉमन है, बहुत आम देखने को मिल जाती ऑन रोड, कॉमन थी, ये थोड़ी हटके थी चीज़। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए मैं उसके कंपैरिजन में इसके साथ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बड़ी ही खास इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि हमने जावा बोबर और रॉयल एनफील्ड क्लासिक का बिल्ड क्वालिटी टेस्ट भी किया है। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी का जो लोहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी जो बाइक है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि 97% लोग जो है वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए हर लेटेस्ट गाड़ी का रिव्यू लेके आएँ और हर अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिखाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे मैं बाकी चीज़ें पूछूँ कि आपने रॉयल एनफील्ड को चलाया भी होगा, पैराग को भी चलाया होगा, इसको भी चलाया होगा, तो कोई आपको डिफरेंस लगा रॉयल एनफील्ड में और इसमें? इसकी मुझे थोड़ी सी पिकअप उससे बढ़िया लगी। हाँ जी हाँ जी। और एक इसमें 6 गियर है। ओके। और इसकी पिकअप उससे मुझे थोड़ी बढ़िया लगी इसलिए। ओके। और जैसे वाइब्रेशन की बात करें, पहले वाले मॉडल्स में रॉयल एनफील्ड में अगर हम हाई स्पीड पे चलाते हैं तो उसमें थोड़ी वाइब्रेशन हमें देखने को मिलती थी, हालांकि नए वाले मॉडल्स में काफ़ी वो रिजोल्व हो गई है। तो आपने इसको हाई स्पीड पे चलाया होगा, तो क्या आपको कभी ऐसा कुछ लगा कि जो बाइक है उतने जम के नहीं चल रही है, वाइब्रेशन देखने को मिल रहे हैं? नहीं, जब तक मैंने इसे चलाया, 100 से ऊपर भी चला के देखा, मैंने बाइक पूरी जम के चलती है, ऐसी वाइब्रेशन वाली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। और बाकी मैंने नए मॉडल से अपने रॉयल एनफील्ड के कंपेयर नहीं किए चला के। ओके ठीक है। और बात करें पैराग की और इसकी, तो पैराग और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? मेन डिफरेंस थोड़ा इसमें अपने, एक तो डिजिटल मीटर आ गया इसमें। हाँ जी। और एक हेडलाइट का डिफरेंस है, बाकी इंजन वगैरह तो सेम है। हाँ जी। वो भी सिंगल सीट था, ये भी सिंगल सीट है। एक इसकी ये जो सीट है ये मुझे पैराग के कंपेरिजन में थोड़ी बढ़िया लगी, क्योंकि ये पीछे से लोअर बैक को सपोर्ट मिल जाती है इससे थोड़ी। हाँ जी। तो ज़्यादा लंबा जंप हम चलाते हैं जैसे। हाँ जी। तो थोड़ा कमर को रिलैक्सिंग रहता है इसमें। ओके। और मैं हैंडलिंग की बात करूँ, उसमें आपको कैसे लगता है चलाते हुए? हैंडल ज़्यादा टाइट लगता है, लूज लगता है, या उतना
स्मूथ नहीं लगता जैसे कि बाकी बाइक्स का, ऐसा कुछ? हैंडल जैसे बाइक वेट के हिसाब से जिस कंपेयर करें तो हैंडलिंग सही है, इसकी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, थोड़ा सा तो हैवी महसूस होता है बट उतनी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैंडलिंग सही है इसकी। कौन सी चीज़ ऐसी सबसे अच्छी लगी थी जिसकी वजह से आपने ये बाइक को आप खींचे चले गए, मोटिवेट हुए इस बाइक को खरीदने के लिए? मेन एक ये लुक्स जो आपने कहा, लुक्स का कारण एक मेरे लुक्स मेन कारण थे जिसके कारण मैं इस बाइक के साथ गया। हाँ जी। और एक ये कॉमन नहीं है बाइक, न्यू जैसे बाइक है, कोई भी जब जाम बाजार से जाते हैं जाम भी जाते हैं तो लोग रोक के पूछते हैं भी कौन सा वेरियंट है, कौन सी बाइक है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। माइलेज क्या मिल रही है आपकी इस गाड़ी से? माइलेज तो जी देखे जाए माइलेज तो इसकी 20 की 20 की माइलेज दे रहा है ये। हाँ जी, तो कहते हैं कम है, बाकी ज़्यादा माइलेज देने के लिए घर पे प्लैटिना है मेरे पास। ये भी सही है, माइलेज के लिए प्लैटिना और यहाँ घूमने फिरने के लिए ये बाइक। फीचर्स की बात करें, आपको कौन कौन से फीचर इस बाइक में अच्छे लगे? फीचर एक इसका चार्जिंग पोर्ट दे रखा है इसमें, साथ ही चार्जिंग पोर्ट दे रखा है, पोर्ट इसका साथ में था। और एक ये मेन भी और भी एक जो स्टैंड के साथ है जैसे फीचर, जैसे स्टैंड कई बार हम भूल जाते हैं स्टैंड उठाना, बाइक स्टार्ट नहीं होती जब तक स्टैंड नहीं उठाते। ओके, तो ये बड़ा ही अच्छा फीचर है, मुझे लग रहा है इसी बाइक के साथ आपको देखने को मिलता है। इसी बाइक के साथ आता है, पैराग के साथ भी आता है? नहीं, पैराग के साथ ये फीचर नहीं है। पैराग से इसमें एक ये फीचर, एक तो चार्जिंग पोर्ट का हो गया और एक ये स्टैंड वाला फीचर है जो ये पैराग से अलग है इसमें, और एक डिजिटल मीटर का, और लाइट इसकी छोटी है, पैराग की लाइट बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो फीचर है ना, खासकर जो स्टैंड वाला है, क्योंकि जनरली आप स्टैंड भूल जाते हैं बाइक चलाने से पहले और रास्ते में लोग आपको याद दिलाते रहते हैं कि भाई आपने स्टैंड नहीं लगाया, स्टैंड नहीं लगाया। हाँ, तो काफी इरिटेटिंग होता है जब रास्ते में लोग याद दिलाते हैं, रास्ते में आपको लोग बोलते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा एक सेफ्टी फीचर है जो कि जावा लेके आई है इस बाइक में। आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप अपना स्टैंड जो है वो हटाएंगे नहीं। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इस बाइक का बाकी का बाइक्स के साथ, तो ये एक यूनिक चीज़ है जो इस बाइक में आपको मिल जाती है। और सर, इसके अलावा जैसे कि ग्राउंड क्लीयरेंस का बहुत सुना है इस बाइक का कि ग्राउंड क्लीयरेंस में इशू आता है, तो क्या ग्राउंड क्लीयरेंस में आपको कभी दिक्कत आई इस गाड़ी के साथ? ग्राउंड क्लीयरेंस का जहाँ तक है, मैंने अभी तक सिटी में जितनी चलाई है इतना तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, बाकी माउंटेंस में पहाड़ों में जब जाएंगे तब देखेंगे। ग्राउंड क्लीयरेंस की अभी तक तो मुझे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आई। बाइक बाकी दूसरी बाइक से कंपैरिजन में थोड़ा डाउन है। हीटिंग की मैं बात करूं, गाड़ी कितना हीट छोड़ती है? हीट की जहां तक बाइक की बात है, तो ये बाइक मैंने अपने सितंबर में लॉन्च हुई थी, उससे नेक्स्ट मंथ में मैंने ली थी। हाँ जी, तो उसके बाद मेनली सर्दियाँ शुरू हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक मुझे हीट का इतना पता नहीं लगा, इसका हीटिंग प्रॉब्लम का खास कोई है भी है या नहीं भी है, बाकी सर्दियों के कारण अभी हीटिंग का मुझे पता नहीं इसका। ओके, और मैं ये पूछूं कि इंजन साउंड आपको कैसी लगती है इस बाइक की? इंजन साउंड काफ़ी बढ़िया है, जब शुरू में लिया था तब साइलेंसर की आवाज़ उतनी नहीं थी। हाँ जी, तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें करवाई चेंजिंग और अब साउंड थोड़ी इसकी बन गई है। क्या चेंज करवाया आपने? इसमें जो इसके साइलेंसर में होते हैं अपने फिल्टर कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे ज़्यादा मालूम नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो निकलवाए थे, उसके बाद साउंड थोड़ी बढ़िया बन गई इसकी। एक बार स्टार्ट करके बताओगे? ज़रूर। इसके अलावा सर मैं ये पूछूं कि कमी आपको क्या लगी इस बाइक में? कमी जहाँ तक जितना मैंने चलाया, मुझे एक दिक्कत तो इसमें ये आई है भी इसका पंचर हो गया था। हाँ जी, तो एक टायर जो है इसके, शायद टायर तो ट्यूबलेस है, इसमें ट्यूब है। ओके, अलॉय व्हील नहीं है, इस कारण उन्होंने शायद ट्यूब दी है। ओके ओके, एक तो अलॉय व्हील होने चाहिए थे क्योंकि पंचर की काफ़ी दिक्कत आई थी, मैंने जब पंचर लगवाया था तो आम जो मैकेनिक होते हैं उनसे पंचर भी नहीं लगा था। ओके ओके, स्पेशल शॉप पे जाके फिर इसे, क्योंकि साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड है एक तो आम जो नॉर्मल दुकानें होती है वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं बाइक को सीधा खड़ा करके पंचर बनाने की। ओके, इसमें से वो दूसरे वाला स्टैंड भी नहीं है? दूसरा स्टैंड नहीं है इसमें। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम की बात है कि इनको मतलब रास्ते में कहीं पंचर हो गया और काफ़ी दिक्कत आई इनको। इसके अलावा सर ने बताया कि इस बाइक में आपको किक भी नहीं मिलती है, तो अगर आप बहुत ही कम चलाते हैं बाइक को, महीने दो महीने में एक बार चलाते हैं, तो ऐसे केस में आपकी बैटरी डाउन या फिर आपको सेल्फ के साथ इश्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बाइक नहीं है। अगर आप रेगुलर चलाते हैं तो ही आप ये बाइक जो है ख़रीदें। और इसके अलावा कोई और कमी? और कमी अभी तक जहाँ तक मैंने चलाया आपको ये बताया, और तो कमी मुझे कोई देखने को नहीं आई इसमें। बाकी जैसे जैसे चलाऊँगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आगे पता लगेगा। और मैं ये पूछूँ कि जो आपको डीलर की डीलरशिप और उसकी जो सर्विस है वो कैसी लगी?
सभी डीलर जैसे एक जैसे तो नहीं होते, थोड़ा जो सिरसा वाले अपने डीलर हैं वो थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ थोड़ा सही नहीं रहा। ओके ओके, क्योंकि बाइक ये बाइक अच्छी है, थोड़ा वो कोऑपरेशन कम कर रहे हैं, नहीं तो माउथ जैसे ऐड करते हैं बंदा, एडवर्टाइजमेंट होती है बंदा आगे बताता है। अब पराग मैंने चलाया था, मुझे बढ़िया लगी बाइक, तो मैं गया, मैं इनसे ना अगर कोई मुझे पूछे बाइक लेनी है तो फिर मैं उनको कहूँगा किसी और से ले लो, सिरसा वाले डीलर से मतलब। तो ये आप देख रहे हो कि जो डीलरशिप की जो डीलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बाइक सिर्फ बेचने तक का ही वो नहीं होता है, आपका जो मोटिव होता है वो ये भी होता है कि आगे बाइक लेने के बाद जो कस्टमर है वो आपका ऑल टाइम सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी आपके पास और भी कस्टमर आते हैं और आपका जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये ब्लूटूथ नेक बैंड्स आपको मिले गिफ्ट में, तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ भी कमेंट में हमें मेंशन करना है, कोई भी छोटा सा एक कमेंट, और वीडियो को शेयर करना है। जैसे ही वीडियो के 5K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये कुछ विनर्स को ये गिफ्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो भाई, ये था बोबर का ओनरशिप रिव्यू, जो कि वीरेंद्र जी ने बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया। मुझे लगता है कि अगर आप कोई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, इन बाइक्स में से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। सो वंस अगेन पाजी, थैंक यू सो मच चैनल पर आए। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।